वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सो दैट पॉइंट्स ए पॉइंट है ए कोमा बी प्लस सी, बी पॉइंट है बी कोमा सी प्लस ए और सी पॉइंट है सी कोमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। ये हमें शो करना है भाई। तो देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपके पास किसी भी लाइन पे पॉइंट्स हैं अगर वो कोलिनियर हों तो उस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाता है, एरिया इक्वल्स टू में 0 स्क्वेयर यूनिट्स हो जाता है भाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एरिया 0 स्क्वायर यूनिट दिखा दूँ तो अपने आप ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट की फॉर्म में 1/2, ये तो आपने सीख ही रखा है इंट्रोडक्शन में, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और यहाँ पे सी ए प्लस बी। अब यहाँ पे कॉलम 3 में 1 1 1 लेते हैं क्योंकि हमें क्या बनाना आता है, स्क्वेयर मैट्रिक्स बनानी होती है, यानी कि 3/3 की बना देंगे यहाँ पे। अब एक्सपेंड आप C1 के अलोंग भी कर सकते हो, R1 के अलोंग भी कर सकते हो, या फिर दो ऑपरेशन लगा के एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे R1-R2 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0, और R2-R3 लगाएंगे तो भी आपके पास 0 बन जाएगा। दो एलिमेंट 0 बना के भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करवा रहा हूँ आपको, एक्सपेंड अलोंग R1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, 1/2 आगे रहेगा। देखो ए हमारे पास बार, यहाँ पे ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, सी प्लस ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो C प्लस ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो C प्लस ए ही रहेगा। और यहाँ पे माइनस में क्या होता है, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो माइनस में आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको यहाँ पे बंद कर दो, बी प्लस सी पे माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होता है हमारे पास A12 एलिमेंट का, बी प्लस सी बार। अब देखो ये हमारे पास कॉलम छूटेगा, ये रो छूटेगी, बी की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो बी, सी की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो सी, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास b माइनस का c। ठीक है, ये स्टेप भी क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, ये हमारे पास कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी, b की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करेंगे, b की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ करेंगे, माइनस में क्या होगा आपके पास, c की मल्टीप्लाई c प्लस a के साथ। ठीक है, अब इनको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो 1/2 आगे, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं a की ए सी, प्लस का ए स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वेयर और माइनस का ए बी। यहाँ पे आ जाओ, इनकी पहले यहाँ पे माइनस का साइन चेंज कर देते हैं भाई, माइनस का बी माइनस का सी। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी बी माइनस सी के साथ, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी प्लस में बी स्क्वेयर, माइनस में है यहाँ पे सी स्क्वेयर प्लस में ए सी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। अब इनको सोल्व करते हैं, 1/2 ए सी प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस बी सी, और यहाँ पे माइनस का बी सी। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगा लेना भाई यहाँ पे, तो प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर प्लस में ए सी। अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ कैंसिल होंगी भाई। ठीक है, देखो यहाँ से प्लस का ए सी और यहाँ पे माइनस का ए सी आएगा ना, क्योंकि बार माइनस था। ठीक है, तो माइनस का सी स्क्वेयर और माइनस का ही ए सी आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेना आप, माइनस का ए सी कैंसिल। ठीक है, प्लस का ए स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर प्लस का बी सी माइनस का बी सी प्लस का सी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर, तो सारी चीज़ कैंसिल। तो यहाँ पे बच गया 0, 1/20 में 0 इक्वल टू में 0, तो एरिया आ गया आपके पास 0 स्क्वेयर यूनिट्स। और यही मैंने आपको बोला था, अगर एरिया 0 स्क्वेयर यूनिट्स आ जाए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप लिख देंगे सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।